ठीक है, चलो पेज नंबर 417 से कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 21 चल रहा था, वो क्लॉजेस पढ़ रहे थे। फर्स्ट शेड्यूल हमने पूरा कर लिया था, उसमें सारे पार्ट्स और क्लॉजेस डन है। अब जो सेकंड शेड्यूल है वो देखते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट्स में क्या पॉइंट्स पे बात हो रही है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल वो डिसिप्लिनरी कमेटी डिसिप्लिनरी बोर्ड वो सब पॉइंट्स पर हमने बातें की थी, तो यहाँ वो डिटेल में मैटर डिस्कस होगा। शेड्यूल टू का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं, उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात हो रही है इन रिलेशन टू मेंबर्स हु आर इन प्रैक्टिस एंड विच रिक्वायर एक्शन बाय अ डिसिप्लिनरी कमिटी। तो ये वापस से प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की बात आ रही है, सेम ही जैसे हमने वहाँ 11 क्लॉजेस देखे, लेकिन यहाँ डिसिप्लिनरी कमिटी एक्शन ले सकती है, वो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, वो स्टार्टिंग में हमने बात की थी। पहले क्लॉज में क्या बोला, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को हम गिल्टी मानेंगे इफ़ ही डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन द क्लाइंट। ये वैसा हो गया कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी को प्रोवाइड कर दी, पास ऑन कर दी, विदाउट कंसेंट ऑफ द क्लाइंट और विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये पहला पॉइंट था, इसके अंदर मेन बात वही है, उससे ऊपर कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट क्लॉज में, सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड रिलेटेड स्टेटमेंट्स अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाई हिम और बाय अ पार्टनर और एम्प्लॉय इन हिज फर्म और बाय एनी अदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सर्टिफिकेशन कर दिया विदाउट वेरीफाइंग, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं किया कि वो सही है या गलत है, लेकिन सर्टिफिकेशन आपने करके दे दिया, तो वो सर्टिफिकेशन अगर आपने विदाउट एग्जामिनेशन किया है तो गलत हो गया ना। आप एग्जामिनेशन करो, आपके पार्टनर एग्जामिनेशन करे, आपका स्टाफ कर ले, वो ठीक है, लेकिन वेरीफाई किए बिना आप कैसे सर्टिफाई कर सकते, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्लॉज, परमिट्स हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन अ मैनर विच में लीड टू द बिलीफ दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि आप अपना नेम कहीं ना कहीं अलाउ कर रहे हो यूज करने के लिए, परमिट्स हिज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज इन कनेक्शन विद एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन अ मैनर विच में लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। आप किसी कंपनी का फोरकास्टिंग कर रहे हो, वैसे बता रहे हो कि ये कंपनी, जैसे वो स्टॉक मार्केट में नहीं होता, इस शेयर में पैसे लगा दो, ये कंपनी इतना प्रॉफिट देगी, इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वो, उस टाइप का फोरकास्टिंग कर रहे हो किसी की इनकम और उसका स्टेटमेंट दे रहे हो कि मेरे हिसाब से ये कंपनी इतना बिजनेस करेगी और मैं ये फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे फोरकास्ट के साथ अपना नाम आपको अटैच नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका जो आउटकम है वो नेगेटिव होगा। लोग उसको ऐसे देखेंगे कि एक प्रोफेशनल ने गारंटी कर दिया है और बोला कि ये कंपनी अगले क्वार्टर में अगले साल में इतना प्रॉफिट जनरेट करके देगी, तो अच्छा ही है ना, ये गलत थोड़ी बोल रहा होगा ऐसा। तो आपके इंटरप्रिटेशन का या जो भी आपने एनालिसिस किया है ना, उसका गलत मीनिंग निकाला जाएगा और लोग मिसगाइड होंगे। तो ऐसे किसी भी फोरकास्ट के साथ आपको अपना नाम अटैच नहीं करना चाहिए और ऐसे ऑफिशियली राइटिंग में कोई कंसेंट नहीं दे देना चाहिए कि हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो इतना इनकम जनरेट करके देगी ये कंपनी, अब जिसको भी इस इन्फॉर्मेशन को जैसे यूज करना है कर ले, ऐसा होना नहीं चाहिए, आप इस चीज से दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट गिवन टू एनी बिजनेस एंटरप्राइज इन विच ही इज फर्म और अ पार्टनर और इन हिज फर्म हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये तो ऐसा हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो, अपनी कोई रिपोर्ट या कोई स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, लेकिन आप खुद ही उससे कनेक्टेड हो, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और वो सारी बातें आ गई, तो वो फेयर स्टेटमेंट नहीं होगा ना। आप ओपिनियन तब दे सकते हो जब आप आउटसाइडर हो, लेकिन आप उस खुद उस फर्म से उस एंटिटी से कनेक्टेड हो और फिर आप उसके बारे में एज अ प्रोफेशनल एक ओपिनियन दे रहे हो, वो ओपिनियन बायस्ड ही होगा या इम्प्लाइड हो गया, तो ऐसा ओपिनियन आप नहीं दे सकते। फेल्स टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम इन हिज रिपोर्ट और स्टेटमेंट बट द डिस्क्लोजर ऑफ विच इज नेसेसरी। आप कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, चाहे वो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट हो या एनीथिंग, उसमें मटीरियल फैक्ट्स जो रीडर के लिए जानना जरूरी था वो आप डिस्क्लोज करना या तो भूल गए या इंटेंशनली आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये भी एक मिसकंडक्ट है, क्योंकि अगर आप वो डिस्क्लोज करते तो रीडर्स का डिसीजन या उनका इंप्रेशन उस एंटिटी के बारे में कुछ अलग हो सकता था। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बताना वो छुपाने के बराबर है और वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लॉज 6 में भी यही बोला, फेल्स टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम। ऊपर बोला था कि इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बताई, यहाँ बोला है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब ऐसी गलती जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और ऐसी गलती जो कंपनी के मैनेजमेंट ने की है, जो सबके सामने आनी चाहिए थी, वो आप रिपोर्ट में लिखना भूल गए।
तो ये चीज भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला मैटर हो गया। ऊपर जो पॉइंट था वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, यहाँ पे एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसको आप रिपोर्ट करना भूल गए तो वो नहीं चलेगा, तो मिसकंडक्ट में आएगा। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 7, ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज ना करना या नेग्लिजेंट होना अपने काम में। नेग्लिजेंस तो फिर सब्जेक्ट टू रहेगा कि क्या प्रूव होता है क्या नहीं, लेकिन नेग्लिजेंस होगी तो भी आपके खिलाफ एक्शन होगा। क्लॉज 8 में, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। ये ऐसा है कि आपने ठीक से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की, ऑडिट ठीक से नहीं किया, बट ओपिनियन दे दिया, तो ओपिनियन देने के लिए जितनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो गैदर किए बिना अगर आप ओपिनियन दे रहे हो तो वो गलत माना जाएगा, वो अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर। जो भी आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं कंपनी के, वो एक जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से मेंटेन होने चाहिए। गाइडलाइंस होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। अब अगर वो वैसे मेंटेन नहीं हो रहे और उससे अलग जा रहे हैं तो इसको ट्रेस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिपोर्ट में हाईलाइट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब अगर आप नहीं करोगे तो नेग्लिजेंस वाला ही तो काम हो गया, ध्यान नहीं दे रहे हो काम पर, तो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ सकता है, ये बोला। लास्ट पॉइंट जो है 10th वाला क्लॉज, उसमें बता रहे हैं कि क्लाइंट का पैसा आपने अपने पास सेफ नहीं रखा, संभाल के नहीं रखा, तो वो भी एक मैटर ऑफ ट्रस्ट हो गया ना। क्लाइंट ने आपको रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे या जो भी ROC की फीस वो सब देनी थी, उसका अमाउंट भिजवा दिया कि आप पे कर देना अपने हिसाब से, वो पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर लो तो ठीक रहेगा क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा के वो पैसे आपको सेपरेट रखने चाहिए। पर्सनली अगर आप उसको यूज कर लोगे, मिस अप्रोप्रिएट कर दोगे, वो इलीगल हो जाएगा और यहाँ पे नॉन कंप्लायंस में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड शेड्यूल का, वो जनरली बोला हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन जनरल। फर्स्ट क्लॉज देखें, कॉन्ट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रेगुलेशंस मेड और एनी गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय काउंसिल। देखो कितना जनरल हो गया, कोई भी एक्ट के रेगुलेशंस के जो भी पॉइंट्स है, गाइडलाइंस है, वो आपने अगर कॉन्ट्रावीन कर दिए तो आप इस क्लॉज में कवर हो सकते हो। तो स्पेसिफिक नहीं बोला, एग्जाम्पल्स के तौर पर नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। गाइडलाइंस तो हर चीज़ की होती है, लेकिन इन जनरल पॉइंट लिखा हुआ है। क्लॉज 2 में, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी फर्म पर्सन डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। पहले प्रैक्टाइसिंग बोला था या एम्प्लॉयमेंट बोला, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में आपको अगर कुछ पता चलती है, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, वो इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज करना वो गलत हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। थर्ड क्लॉज में, इंक्लूड्स इन एनी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न और फॉर्म टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट काउंसिल एनी अथॉरिटी एनी पर्टिकुलर्स नोइंग देम टू बी फॉल्स। ये ऐसा अपन ने पहले भी देखा था, गलत इन्फॉर्मेशन जानते हुए भी पास ऑन करना वो सही नहीं। फोर्थ पॉइंट में बोला है, इफ़ यू डिफाल्केट्स और एम्बेजल मनी रिसीव्ड इन इज प्रोफेशनल कैपेसिटी। डिफाल्केशन और एम्बेजलमेंट का मतलब ही होता है पैसों की हेराफेरी करना। जो पैसे आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में संभाल के दिए गए थे क्लाइंट के लिए यूज करने के लिए, उसको आपने मिस अप्रोप्रिएट किया और अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, इससे क्लाइंट का नुकसान हुआ, तो वैसा आप करोगे तो ये पॉइंट में कवर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट में, पार्ट 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, ये वो गिल्टी वाला हो गया, अपन ने कल भी देखा था ना कि 6 महीने तक की भी अगर आपको जेल हो जाए, सिविल क्रिमिनल मैटर हो जाए, तो इंस्टीट्यूट के लिए डिसरेप्यूट हो जाता है, वैसा पॉइंट है। यहाँ पे जो टर्म है दैट इज एक्सीडिंग 6 मंथ्स, कल जो हम देख रहे थे वहाँ अप टू 6 मंथ्स था, तो जो बाकी के इंस्टेंसेज है वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो बड़ा मैटर होगा ना, 6 महीने से ज़्यादा टाइम की जेल हुई है तो मैटर भी वैसे ही होगा। ठीक, बस तो ये कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर 21 आपका पैकअप है। अब इसके साथ पार्ट सी आपका कंपनीज एक्ट का पूरा डन है, तो 10 मार्क्स का हमने कवर अप कर लिया, तो आप भी उसको साथ साथ में कंप्लीट कर लेना। ये तीनों चैप्टर की टेस्ट मैं एक साथ ही लूँगा, तीनों चैप्टर की टेस्ट अलग अलग नहीं होगी। ये चैप्टर का वेटेज भी कम है, 22-23 तो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, तो 21 के साथ साथ आप वो कवर कर सकते हो, तीनों चैप्टर्स एक साथ कवर करेंगे।